नाउ क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए कैन डू 20% ऑफ वर्क इन 5 डेज। ए जो है किसी किसी काम का 20% 5 दिन में करता है, एंड बी कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 5 डेज, और बी जो है इसी काम का 1/3 हिस्सा 5 दिनों में करता है। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, उन्होंने साथ में काम करना स्टार्ट किया, बट बी लेफ्ट आफ्टर 3 डेज। बी जो है 3 दिनों के बाद काम को छोड़ दिया। द टोटल नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट द वर्क, आपको बताना है कि पूरा काम होने में कितना दिनों की कितना दिन लगा। ए जो है किसी काम का 20%, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, और इसको करता है 5 दिनों में, तो ए जो है टोटल वर्क कितने दिन में करेगा, 25 दिन में। बी जो है 1/3 यानी कि 1/3 काम को 5 दिनों में करता है, तो टोटल वर्क कितने दिन में करेगा, 15 दिनों में। यहाँ से हमारा निकल के आ गया, ए जो है किसी काम को 25 दिन में करता है, बी जो है उसी काम को 15 दिन में करेगा। टोटल वर्क हम यहाँ से निकाल लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 जो है दोनों का एलसीएम आएगा, तो ये जाएगा 3 बार में, ये जाएगा 5 बार में। तो ए का एफिशिएंसी आ गया 3, बी का एफिशिएंसी आ गया 5। अब इन्होंने बी ने 3 दिनों के बाद काम को छोड़ दिया है, 3 दिनों तक तो साथ में इन्होंने काम किया, तो 5 3 8 और गुना 3 यानी कि 24 जो है काम कंप्लीट हो चुका था, तब जो है बी जो है वो छोड़ दिया, बोला कि हमसे अब ना हो पाएगा। तो 24 यहाँ से माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा कितना, 5। अभी 51 काम को जो रिमेनिंग हमारा वर्क हुआ, इस 51 काम को किसके द्वारा किया गया, ए के द्वारा किया गया। तो ए का एफिशिएंसी कितने हैं, 3 है, तो रिमेनिंग वर्क को ए के द्वारा कितने दिन में किया गया, 51/3 यानी कि 17 दिन में किया गया। तो दिनों की कुल संख्या कितनी हो गई, यहाँ पर 17 दिन और प्लस ये जो 3 दिन उन्होंने साथ में काम किया, वो 17 + 3 यानी कि टोटल जो है दिन की संख्या हो गई 20। तो 20 दिनों में इन्होंने पूरा काम को कंप्लीट किया, सो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।